गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, फिर से देखिए हम लोग एक बार फिर से स्टार्ट कर रहे हैं अपना अगला जो टॉपिक था। देखिए हमारा चैप्टर चल रहा था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा था, इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी से लेकर के और किस तरीके के लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और ये सारे सारे स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, ये सारे बेसिक बेसिक आइडियाज हमने आपको दिए थे। उसी सिक्वेंस में हम आगे बढ़ रहे हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे अपना। देखिए जो टॉपिक आपके सामने देख रखा है वो टॉपिक है शेयरिंग स्ट्रेस, शेयर। तो इस वर्ड को समझ लेते हैं, शेयर वर्ड का मतलब क्या है, क्योंकि देखिए जब तक किसी चीज का मतलब नहीं पता तब तक क्या करेंगे। और फिजिक्स को मैं लगभग 90% अपने हर लेक्चर में ये बात कहता हूँ कि हर एक वर्ड का मतलब पता होना ही फिजिक्स आ जाना है। जब तक आपको हर वर्ड का मतलब नहीं पता आपको फिजिक्स कभी नहीं आ सकती। तो शियरिंग स्ट्रेस, तो ये जो शियर वर्ड है, शियर का मतलब होता है झुकाव, शियर का मतलब क्या होता है, झुकाव। तो एक ऐसा स्ट्रेस जो झुकाव की वजह से आया है, मान लीजिए कि बॉडी जैसे आपको ये दिखाई दे रही है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो बॉडी है, ये देखिए ये जो आपको बॉडी दिख रही है कंप्लीट, ठीक है ना, तो ये बॉडी एक्चुअल में क्या है, स्ट्रेट सीधी होनी चाहिए। अगर ये बॉडी सीधी होती तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रही होती, मतलब हम बोल सकते हैं इस तरीके से ये सीधा, मतलब स्ट्रेट जब ये थी तब ये कैसी थी, मैं उसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब ये स्ट्रेट रही होगी तो लगभग इस तरीके की रही होगी, ठीक है ना, इसका अपर सरफेस कुछ इस तरीके से, इसका लोअर बेस कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये जब एकदम स्ट्रेट था, फिर आपने क्या किया, यहाँ पर बगैर देर लगाए आपने फोर्स लगा दिया, इस डायरेक्शन से फोर्स लगाया एफ, ठीक है। तो अभी तो ये मान लेते हैं कि सरफेस है, इस सरफेस पर ये बॉडी रखी हुई है, जब आपने एक तरफ से फोर्स एफ लगाया तो ये फोर्स की वजह से इसका जो हम कह सकते हैं डायमेंशन था वो चेंज होने लगा, इस तरीके से ये जो एज है उस एज में चेंज हुआ और ये एज धीरे से देखिए शिफ्ट होकर ऐसे आ गया, ये एज शिफ्ट होकर के ऐसे आ गया, समझ रहे हैं ना आप, इस तरीके से। तो आपको कुछ इस तरीके से ये एक जो मतलब सिलेंडर था वो इस तरीके से दिखाई दिया, जो नीचे का बेस देखिए सेम है लेकिन ऊपर वाला जो बेस था वो अपनी पोजीशन से क्या हुआ, शिफ्ट हो गया। तो ये किसकी वजह से हुआ, ये हुआ इस फोर्स की वजह से जो आपने ये फोर्स लगा रखा इसकी वजह से। तो ये वो फोर्स है जो कि लगा, कैसा लगा आपने ध्यान दिया होगा, तो ये लगा टेंजेंशियली, तो टेंजेंशियली फोर्स अप्लाई कर दिया गया और डिफॉर्मिंग फोर्स तो है ये, तो आपने टेंजेंशियल फोर्स लगाया, डिफॉर्मिंग फोर्स जो उसका था डिफॉर्मिंग टाइप का नेचर था तो डिफॉर्मिंग फोर्स हो गया। अब अगर हम ये कहें कि भैया आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया जो कि एक टेंजेंशियल फोर्स है और उस टेंजेंशियल फोर्स की वजह से जो बॉडी का एक जो बेस है वो तो अपनी जगह फिक्स है लेकिन दूसरा जो ऊपर वाला जो है जो एज था या ऊपर वाली जो सरफेस थी वो अपनी जगह से स्लाइड होके थोड़ा सा दूसरी तरफ आ गई, तो पहले ऐसे थी तो स्लाइड होके ऐसे आ गई, तो अब ऐसे ऐसे स्लाइड होके ऐसे आना, कौन सा ऊपर वाला, तो ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इसका कोई थीटा एंगल दैट इज शियर, थीटा एंगल से इसमें झुकाव हुआ, शियर हुआ, ठीक है ना। तो ये हमारा जो स्ट्रेस है, कौन सा स्ट्रेस का मतलब फिर से मैं बताऊं, जो लोग भूल गए हैं, जो लोग रिवीजन नहीं कर रहे हैं वो बहुत गलत बात है। तो स्ट्रेस का मतलब होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है ना। तो ये फोर्स कौन सा फोर्स था, ये था डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक। तो एक ऐसा डिफॉर्मिंग फोर्स जो कैसा हो, टेंजेंशियल हो, जो कैसा हो, टेंजेंशियल हो, यानी कि टेंजेंट की डायरेक्शन में लगा हो, ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं बॉडी के एक कोने से आप जो है उसको अप्लाई कर दें। तो जो अगर कोई डिफॉर्मिंग फोर्स ऐसा है जो टेंजेंशियल है,
अब अगर वो टेंजेंशियल है तो वो बॉडी के शेप को क्या करेगा, टिल्ट कर देगा, झुका देगा, जिसकी वजह से जो स्ट्रेस आएगी वो बन जाएगी शियरिंग स्ट्रेस। ठीक है, तो इसको इसीलिए हम दो नाम से जानते हैं, पहला नाम है इसका टेंजेंशियल स्ट्रेस और दूसरा नाम है इसका शियरिंग स्ट्रेस। तो शियरिंग स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस तभी होती है जब बॉडी में डिफॉर्मिंग फोर्स लगता है जिसका नेचर होता है टेंजेंशियल, और अगर टेंजेंशियल फोर्स लग गया तो बॉडी में एक झुकाव, एक शियर डेवलप हो जाता है। तो जो भी फोर्स है और जिस एरिया पे लगा उसका रेशियो हमें देता है शियरिंग स्ट्रेस। तो ये कहानी थी जो हमने आपको समझाई कि शियरिंग स्ट्रेस एक्चुअल में है क्या। यहाँ पर डायग्राम में आप बहुत क्लियर से देख सकते हैं कि ये जो आपको थीटा एंगल दिखाई दे रहा है, ये थीटा वो एंगल है जिससे शेयर हुआ है, जिससे झुका हुआ है। ये डेल्टा एक्स जो आपको दिख रहा है, ये डेल्टा एक्स वो लेटरल, लेटरल का मतलब लेटी हुई, या हम कह सकते हैं हॉरिजेंटल, ये वो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है जो इस एज ने, ये जो एज है ठीक है ना, ये जो सिरा है बॉडी का, उस एज ने जो कवर किया है। ठीक है, तो ये लेटरियल डिस्प्लेसमेंट जो है हमारे पास इस समय डेल्टा एक्स है, इसको आप टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये बात है। अब इस पे का आगे का सीन समझते हैं, इसका बेसिक जो फार्मूला है उस पे हम डिस्कस करेंगे कि इसका आगे का फार्मूला क्या है। देखिए, तो शेयरिंग स्ट्रेस के बाद जो हमारे पास फार्मूला आता है वो है शेयरिंग स्ट्रेन, क्योंकि शेयरिंग स्ट्रेस हो चुका है। अब शेयरिंग स्ट्रेस के बाद का नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला है वो है शेयरिंग स्ट्रेन का। शेयर बल का मतलब आपको अब बहुत अच्छे से पता हो गया होगा, झुकाव। स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन कॉन्फिगरेशन। तो अगर कभी भी टेंजेंशियल स्ट्रेस है, कौन सा स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस या शेयरिंग स्ट्रेस, तो उसकी वजह से जो कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होगा वो बन जाएगा शेयरिंग स्ट्रेन। ठीक है, मैं फिर से एक बार बता दूं, देखिए शेयर ये वर्ड तो कॉमन है, इसका मतलब होता है झुकाव। ठीक है, झुक जाना आप ऐसा मान लीजिए। ठीक है, तो अगर हमने शेयरिंग स्ट्रेस बोल दिया, शेयरिंग स्ट्रेस अगर बोला तो उसका मतलब है कि जो फोर्स लग रहा है वो है टेंजेंशियल फोर्स। ठीक है, टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है और कहाँ लग रहा है, किसी सरफेस पे लग रहा है, किसी बॉडी की सरफेस पर जो फोर्स लग रहा है वो कैसा लग रहा है, टेंजेंशियल लग रहा है। और इस टेंजेंशियल फोर्स की वजह से जो स्ट्रेस आ रही है वो आ रही है कैसी, शियरिंग स्ट्रेस। ये बात तो क्लियर। हम अगर बोलें कि शेयरिंग स्ट्रेन, ठीक है, तो शेयरिंग स्ट्रेन कब होगा, जब शेयरिंग स्ट्रेस लगेगा। तो शेयरिंग स्ट्रेस की वजह से होता है शेयरिंग स्ट्रेन। ठीक, तो अब ये पूरी बात आपको समझ में आई होगी कि जब हमारे पास किसी भी सरफेस पर एक टेंजेंशियल फोर्स लगता है, इसको मैं आपको फिर से एक बार इंडिकेट करके बता दूं ताकि आप किसी तरीके से कंफ्यूज ना हो, कि सबसे पहले हमारे पास क्या होनी चाहिए, एक सरफेस। ठीक है, क्या होना चाहिए, एक सरफेस, किसी बॉडी के उस सरफेस पर हमने लगाने वाले हैं फोर्स, जो फोर्स होगा टेंजेंशियल फोर्स। कैसा फोर्स होगा, टेंजेंशियल फोर्स। इस टेंजेंशियल फोर्स की वजह से उस बॉडी में जो स्ट्रेस आएगा, उस बॉडी में जो डेवलप होगा वो हो जाएगा शियरिंग स्ट्रेस। इस शेयरिंग स्ट्रेस की वजह से बॉडी में जो स्ट्रेन आएगा वो हो जाएगा शेयरिंग स्ट्रेन। तो यहाँ पर अगर हम पर्टिकुलर बात करें तो स्ट्रेस जो है वो फोर्स और एरिया के रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, जबकि स्ट्रेन चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर शेयरिंग स्ट्रेन है यानी कि जो उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है वो झुकाव में चेंज हो रहा है, ना तो बॉडी की लेंथ चेंज हो रही है,
ना बॉडी का एरिया चेंज हो रहा है, ना बॉडी का वॉल्यूम चेंज हो रहा है, बल्कि बॉडी सिर्फ अपने पर्टिकुलर किसी एंगल से झुक रही है। तो यहाँ पर जो कॉन्फिगरेशन चेंज हो रहा है वो एंगल वाइज चेंज हो रहा है, ना कि उसकी लेंथ, एरिया और वॉल्यूम के तरीके चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर शेयरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला, सॉरी शेयरिंग स्ट्रेन का फॉर्मूला आप देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है एक्स अपॉन एल। तो ये कहाँ से आया, इसको हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये फार्मूला हमारे पास आया है, ये देखिए, ये डायग्राम अभी आपने देखा था, ये वही डायग्राम है। तो इस डायग्राम में अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ये वाला, ठीक है ना, अगर हम इस ट्रायंगल को बाहर ड्रॉ कर लें तो वो ट्रायंगल जो बाहर ड्रॉ होने के बाद हमें दिखेगा वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। देखिए ये हो गया, ठीक है, ये हमने कर लिया और फिर ये कर लिया, ठीक। अब देखेंगे ना, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आपको दिख रही है दैट इज डेल्टा एक्स, ये वैल्यू डेल्टा एक्स है और ये एंगल हमारा क्या है, थीटा। तो अगर हम इसमें फाइंड करें टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर यानी कि डेल्टा एक्स अपॉन बेस। तो बेस अगर हमारा है एल, बेस क्या है एल, आप देख सकते हैं बेस एल है, वो चेंज नहीं होगा, लेंथ ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। तो एल, तो टेन थीटा इक्वल डेल्टा एक्स अपॉन एल, और यही टेन थीटा बन जाता है, क्या बन जाता है, शेयरिंग स्ट्रेन, नॉट स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेन, ठीक है। अब वापस से वहीं पहुंचते हैं जहाँ थे हम लोग, ये हमने आपको डायग्राम वाइज भी क्लियर किया और समझाने की कोशिश की कि आपको ये समझ में आ जाए। तो ये हम लोग शेयरिंग स्ट्रेस आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। नेक्स्ट अगर हम बढ़ते हैं तो हमें मिलता है हाइड्रोलिक स्ट्रेस और हाइड्रोलिक स्ट्रेन। हाइड्रोलिक स्ट्रेस और हाइड्रोलिक स्ट्रेन क्या होते हैं, जैसे आपने शेयरिंग स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेन देखा, उसी तरीके से हाइड्रोलिक स्ट्रेस और हाइड्रोलिक स्ट्रेन ये क्या होते हैं, इसको हम समझने की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड हाइड्रोलिक, ये जो हाइड्रोलिक वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये हाइड्रोलिक वर्ड बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है, ये हाइड्रोलिक वर्ड रिप्रेजेंट करता है किसी लिक्विड को, ठीक है। लिक्विड जब भी हम बात करते हैं हाइड्रोलिक, ठीक है, तो हाइड्रोलिक वर्ड कहीं पर भी यूज होता है तो बेसिकली वो किसी लिक्विड के लिए यूज किया जाता है। तो हाइड्रोलिक स्ट्रेस, अच्छा स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ये बात आप जानते हैं। हाइड्रोलिक का मतलब समझ गए लिक्विड, और स्ट्रेस का मतलब हम पहले से ही जानते हैं, स्ट्रेस का क्या मतलब, फोर्स अपॉन एरिया। अब इन दोनों वर्ड को अगर मिला दें, हाइड्रोलिक और स्ट्रेस यानी कि लिक्विड, और लिक्विड में फोर्स अपॉन एरिया, क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि देखिए यहाँ पर अब हम इसको पूरा अच्छे से पहले डिक्टेट कर देते हैं, उसके बाद फिर आपको समझा देते हैं। लिखा हुआ है सॉलिड स्फेयर प्लेस्ड इन द फ्लूड, यहाँ पर फ्लूड या लिक्विड, ठीक है, फ्लूड जो है उसमें एयर भी आती है और लिक्विड भी आते हैं, तो फ्लूड वर्ड है जिसमें एयर और लिक्विड दोनों को शामिल किया जाता है। तो हाइड्रोलिक वर्ड कहीं ना कहीं फ्लूड को जो है डिफाइन करता है, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। यानी कि अगर हाइड्रोलिक वर्ड है तो उसमें लिक्विड भी आता है, उसमें गैस भी आते हैं, इन शॉर्ट फ्लूड आता है, ठीक है ना। फ्लूड का मतलब फ्लो, फ्लो जब जो चीज फ्लो कर सकती है, जैसे हवा है बह सकती है, तो फ्लूड है, ठीक है ना। तो अगर कोई सॉलिड स्फीयर किसी फ्लूड में अंडर हाई प्रेशर इज कंप्रेस्ड यूनिफॉर्मली ऑन ऑल साइड्स अगर रखा होता है, ठीक है ना, तो इसको हम डायग्राम से आपको शो करके दिखाते हैं। कि मान लेते हैं कि हमारे पास इस तरीके से एक कंटेनर है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझेंगे। ये हमारे पास क्या है, एक कंटेनर है, और इस कंटेनर में एक लिक्विड भरा हुआ है, ये मान लेते हैं कि क्या है हमारा लिक्विड, इस तरीके से
दिस वन इज योर लिक्विड, ये कोई लिक्विड है आपका जो आपने इसमें भर रखा है। बहुत सुंदर भाई। और अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम एक सॉलिड स्फीयर रख देते हैं। तो ये देखिए, ये हमने एक इसमें सॉलिड स्फीयर रख दिया। तो जैसे हमने इसमें सॉलिड स्फीयर रखा, तो अब क्या होगा, बेसिकली अगर हम बात करें तो होगा ये कि हर एक डायरेक्शन से इस तरीके से अंदर की तरफ, ये देखिए ऐसे, फ्लूड क्या करेगा, परपेंडिकुलरली इस तरीके से फोर्स अप्लाई करेगा। ये देखिए ठीक है, यानी कि जो एंगल है वो आपको कितना यहाँ पर दिखाई देगा, 90 डिग्री के एंगल से आपको सारे के सारे फोर्स दिखाई देंगे इस तरीके से। ये देखिए जितने भी फोर्सेज हैं वो सब 90 डिग्री पर इस बॉडी पर लगेंगे, और लगाने वाला कौन होगा, लगाने वाला होगा फ्लूड, जिसकी वजह से ये जो स्फीयर है वो एक कंप्रेशन फोर्स फील करेगा, यानी कि अपने ऊपर एक दबाव महसूस करेगा। तो यहाँ पर डेफिनेशन में एकदम क्लियर आपको बताया गया है, द फोर्स अप्लाइड बाई द फ्लूड एक्ट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, जैसा कि मैंने आपको दिखा रखा है डायग्राम में कि परपेंडिकुलरली, ये अगर आप देखें तो ये सेंटर है, और अगर ये सेंटर है तो सारे के सारे जो आपके फोर्सेस हैं वो क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ रेडियस, रेडियस की डायरेक्शन में लग रहे हैं। क्योंकि रेडियस की डायरेक्शन लग रहे हैं इसलिए इनको क्या माना जाएगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सारे के सारे फोर्स लगे हुए हैं। द बॉडी इज सेट टू बी अंडर हाइड्रोलिक कंप्रेशन, तो आप जाहिर सी बात है जब बाहर से फोर्स लगेगा अंदर की तरफ तो कंप्रेशन होगा। तो जो बॉडी है, कौन सी, सॉलिड बॉडी, तो जो सॉलिड बॉडी रखी हुई है वो कहीं ना कहीं एक हाइड्रोलिक कंप्रेशन को फील करेगी। अब क्या होगा, जब कंप्रेस होगा बाहर से फोर्स लगेगा, तो डिक्रीज इन इट्स वॉल्यूम विदाउट एनी चेंज ऑफ इट्स ज्योमेट्रिक शेप। यानी देखिए हर तरफ से फोर्स जो लग रहा है वो यूनिफॉर्म फोर्स लग रहा है। तो यूनिफॉर्म का मतलब, अगर मान लीजिए कि ये जो हमारे पास स्फेयर है, हम यहाँ बना देते हैं, मान लेते हैं ये स्फेयर है ठीक है ना, और हमने जो फोर्स लगाया होता वो मान लेते हैं कि इधर फोर्स लगाया होता इस तरीके से, एक फोर्स ये लग गया ठीक है, या इधर फोर्स लगाया होता इस तरीके से, तो हमने क्या किया, अगर दोनों साइड से फोर्स लगाया तो इसका जो शेप है वो चेंज होके कुछ इस तरीके से हो जाता है ठीक है। क्योंकि दो साइड से फोर्स लगा तो बीच का इसका शेप चेंज हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल शेप। क्या बोला जाता है, ज्योमेट्रिकल शेप। तो जो ज्योमेट्रिकल शेप चेंज होता है वो तब चेंज होता है जब फोर्स जो है अनबैलेंस्ड फॉर्म में लगे होते हैं ठीक है। तो अगर फोर्स जो है एक जैसे नहीं लगे हैं तो उस समय क्या होता है कि बॉडी का शेप चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ तो ऐसा हो नहीं रहा। यहाँ पर अगर आप देखो तो हर तरफ, हर एक जगह पर जो भी जो फोर्सेज हैं, आप देखिए ये जितने भी फोर्स आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे फोर्स कैसे हैं, यूनिफॉर्म फोर्स हैं। अब यूनिफॉर्म है तो जाहिर सी बात है कि जो बॉडी डिक्रीज होगी वो भी कैसी डिक्रीज होगी, यूनिफॉर्म। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये बगैर अपने शेप को चेंज किए, यानी कि पहले भी स्फीयर था और अभी भी क्या है, स्फीयर है, ये इसका वॉल्यूम थोड़ा सा क्या हो जाता है, कम हो जाता है थोड़ा सा, क्या हुआ, कम हुआ। ये बात समझ में आई होगी। फिर इसके आगे की कहानी कुछ ऐसी है, द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इन दिस केस इज नोन एज हाइड्रोलिक स्ट्रेस। देखिए क्या मतलब समझ में आया, जैसे ही बॉडी कंप्रेस हुई ठीक है ना, तो उस बॉडी को वापस से अपने ओरिजिनल शेप में लाने के लिए फोर्स एक्टिवेट हो गए, और उनकी डायरेक्शन क्या है, उनकी डायरेक्शन है आउटवर्ड, बाहर की तरफ।
जो बाहर की तरफ जो है टेंजेंशियल फोर्स लग रहे हैं इस तरीके से, ये देखिए ये बाहर की तरफ जो आपको फोर्स दिखाई दे रहे हैं, ये फोर्स कौन लगा रहा है, ये जो स्फेयर है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, जिसकी वजह से जो भी उसकी शेप में चेंज हुआ, यानी कि उसका शेप जो कम हुआ है वो वापस से उसका ओरिजिनल शेप हो सके। तो एक इंटरनल, जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि ये क्या है, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोर कर रहा है यानी कि उसको ओरिजिनल शेप में ले जाने की कोशिश कर रहा है। और इंटरनल इसलिए क्योंकि इस जो जो स्फीयर है भाई, बाहर से तो फ्लूइड फोर्स लगा रहा था, लेकिन अंदर से कौन फोर्स लगा रहा है, अंदर से जो स्फीयर के मॉलिक्यूल्स हैं वही तो फोर्स लगा रहे हैं। तो जो स्फीयर के मॉलिक्यूल्स फोर्स लगा रहे हैं उसको वापस बाहर उसके ओरिजिनल शेप में ले जाने के लिए, तो इसलिए इसको बोला गया इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। और जो भी इसका एरिया है उससे अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिल जाता है हाइड्रोलिक स्ट्रेस। तो ये कहानी थी हाइड्रोलिक स्ट्रेस की, कि हाइड्रोलिक वर्ल्ड रिप्रेजेंट करता है लिक्विड को, फ्लूड को। तो अगर पूरी बॉडी किसी फ्लूड में रखी जाती है तो फ्लूड बेसिकली क्या करता है, बाहर से उस बॉडी पर एक कंप्रेसिव फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से बॉडी का वॉल्यूम कम होने लगता है। लेकिन क्योंकि बॉडी इलास्टिक है तो बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने आप को जो क्या करते हैं, अपनी पोजिशन में रिस्टोर करने के लिए एक आउटवर्ड बाहर की तरफ फोर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में फिर से आ जाए। तो जब ऐसा होता है तो डेवलप होता है हाइड्रोलिक स्ट्रेस। तो ये बात आपको समझ में आई होगी मुझे जहाँ तक लग रहा है, और आनी भी चाहिए। इसके बाद की कहानी ऐसी बात है, हाइड्रोलिक स्ट्रेन या वॉल्यूम स्ट्रेन जिसको बोलते हैं वो हमारा, ठीक है ना। तो ये वॉल्यूम स्ट्रेन, इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक स्ट्रेन भी बोल देते हैं। तो अगर हम बात करें स्ट्रेन की, तो आप जानते हैं स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, चेंज इन कॉन्फिगरेशन, और वॉल्यूम स्ट्रेन का मतलब है कि उसका चेंज हो रहा है वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ और उसका ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था, ये दे देता है वॉल्यूम स्ट्रेन। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई हो, और इसको हम एक डायग्राम से आपको समझा देते हैं। देखिए फटाफट जल्दी से, ये हमारे पास स्फीयर था और इस स्फीयर का जो वॉल्यूम था, लेट सपोज वॉल्यूम इज बी, आप जानते हैं स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 πr³ होता है, तो ये जो स्फीयर है इसका वॉल्यूम है बी। अब इसका वॉल्यूम कुछ चेंज हुआ, वॉल्यूम चेंज होने के बाद मान लेते हैं कि ये इस तरीके से हो गया, इसका वॉल्यूम कुछ चेंज हुआ और ये चेंज होने के बाद इस तरीके का हो गया। तो यहाँ पर जो ये आपको दिखाई दे रहा है, हम इस तरीके से इस रीजन को कलर कर देते हैं। ये जो कलर्ड रीजन आपको अब दिख रहा है, यही हमारा है डेल्टा वी, ठीक है। तो दैट इज योर डेल्टा वी, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर चेंज इन वॉल्यूम हमें मिल जाता है कि वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ और उसका ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था, उसका जो रेशियो निकल के आएगा वही हमारा बन जाएगा वॉल्यूम स्ट्रेन, या फिर बन जाएगा हाइड्रोलिक स्ट्रेन। तो अगर आप वर्ड्स का मतलब समझ में आ रहा है आपको कि हाइड्रोलिक का मतलब क्या होता है, लिक्विड या फ्लूइड, ठीक है ना। स्ट्रेन का मतलब क्या हुआ, फोर्स लग रहा होगा और किसी एरिया में लग रहा होगा। स्ट्रेन का क्या मतलब है कि उसका शेप चेंज हो रहा होगा। तो इन सारे वर्ड्स को आपस में समझते हुए जो है हम इन डेफिनेशंस को बड़े ही आराम से याद कर सकते हैं और बड़े आराम से इनको एग्जाम में लिख भी सकते हैं। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। छोटी छोटी डेफिनेशंस के साथ, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के साथ हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं, और मुझे जहाँ तक लग रहा है आपको हर एक चीज बारीकी से समझ में आ रही होगी। आप कोशिश करेंगे कि जितनी भी चीज़ें हैं आपके आसपास वहाँ पर इन सारी चीज़ों को आप देखने की कोशिश जरूर करिए कि कहाँ कहाँ पर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, कैसे कैसे स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, उस स्ट्रेस की वजह से कैसे कैसे स्ट्रेन चेंज हो रहे हैं, ठीक है ना।
तो स्ट्रिंग का मतलब सीधी सी बात है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, और स्ट्रेन का मतलब है फोर्स अपॉन एरिया। तो इन दोनों का आपस में रिलेशन होता है। उस रिलेशन को डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल से हमने आपको समझाने की कोशिश की है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो चलिए, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।